टू ऑल दोस गॉर्जियस पीपल आउट देयर, हाई फ्रेग्रेंस फैमिली, दिस इज योर ओन होस्ट गौरव, और आज हम लोग बात करने वाले हैं रसासी फतान के बारे में और जानते हैं कि ये फ्रेग्रेंस इतना पॉपुलर क्यों हुआ। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेट मी टेल यू गाइज दैट वी क्रिएट फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोज, और अगर आपने हमारा चैनल पहले भी देखा है, कुछ भी वीडियोज हमारे चेक की है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से हम लोग को काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होता है और साथ में और भी फ्रेग्रेंस रिलेटेड काफी वीडियोज आने वाले हैं आगे, सो बने रही है। सो विदाउट फर्दर डिले गाइज, आज हम लोग ने जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज बेसिकली रसासी फतान पोर होम। इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ दैट रसासी इज बेसिकली अ दुबई बेस्ड ब्रांड जो 1979 में इंक्यूबेट हुई थी। ऑलमोस्ट 40-50 साल हो चुके हैं इस फ्रेग्रेंस ब्रांड को मार्केट में आए हुए, और अभी तक इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मार्केट बनाया हुआ है। इनके काफ़ी फ्रेग्रेंसेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है अच्छे से अच्छे ब्रांड्स को बीट कर सकते हैं, जैसे कि रसासी शूरा, रसासी हवस, रसासी लाई उकवाम पोर होम, और भी काफ़ी फ्रेग्रेंसेज हैं। और ज़रूरी नहीं होता है कि अगर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। रसासी ने अपनी जो क्वालिटी है वो मेनटेन रखी है एंड इज नॉट प्रिसाइसली अ क्लोन ब्रांड। ये काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंसेज भी बनाते हैं। इनका जो बोरूज लाइन आया था, जो प्राइवेट लाइन था, उसमें मुझे असरार इंडोनेशिया, अथीर कम्बोडिया, ये सब बहुत ही अच्छे लगे थे फ्रेग्रेंसेज। सो ये रहा रसासी के बारे में, और आज जो हम लोग ने सोचा रसासी फतान के बारे में रिव्यू करना, दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न रसासी के काफ़ी फ्रेग्रेंसेज बहुत पॉपुलर हैं, बट ये फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मुझे नहीं पता किस रीज़न से। बट अभी मैं अपने वेबसाइट का भी एनालिटिक्स देख रहा था, सो ऑलमोस्ट 3 महीनों में हम लोग ने इसकी 80-90 बॉटल सेल की हैं, विच गिव मी एन इम्प्रेशन दैट इट माइट बी अ गुड फ्रेग्रेंस। सो मैंने अभी 2 दिन पहले इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया एंड आई वॉज कम्प्लीटली अमेज बाय द फ्रेग्रेंस, द प्राइस इट गिव्स यू फॉर, और जो क्वालिटी ये लोग देते हैं 1800 रुपये में, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। आइए देख लेते हैं रसासी फतान पोर होम कैसा लगता है, इसका प्रेजेंटेशन और बॉटल। रसासी फतान एक बहुत ही स्लेंडर से बॉक्स में आता है, बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा बॉक्स है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है। बैक में इन्होंने थोड़ी डिटेल्स दी हुई हैं, बॉटम पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एयर है, फिर आपका बैच नंबर है, इंग्रेडिएंट्स हैं सब दिए हुए, डिटेल किए हुए। और यहाँ पे आप जैसे अगर इंडिया के ऑफिशियल उनसे लेते हैं तो यहाँ पे उनका हमारे को टैग है दैट शोज दैट दिस हैज बीन इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय कॉस्मिक डिटेल्स। कार्डबोर्ड बॉक्स है, बॉक्स जब आप हटाते हैं सो यू गेट दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ग्रीन कलर का जूस है इस परफ्यूम का, बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन है, मुझे बहुत टाइम बाद इतनी यूनिक सी डिज़ाइन दिखी है किसी भी बॉटल में, बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा बॉक्स था, उसी तरह से बॉटल भी बहुत प्यारी सी है। और स्टार्टिंग ऊपर इन्होंने उर्दू में फतान लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में फतान वो हूँ, और बॉटम पे भी इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है उर्दू में जो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, बट स्टिल दिस माइट बी गुड फॉर पीपल हु नो हाउ टू रीड अरबिक। कैप इनका डिसेंट है, फाइबर स्टाइल है, ये बहुत यूनिक सा नहीं है, बट इसकी स्टाइल अगर आप बॉटल का डिज़ाइन देखोगे तो बॉटल का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। इसका एक बार स्प्रे करके देखते हैं, इसका स्प्रेयर मुझे बहुत गजब लगा, ये बहुत ही अच्छा ये मिस्ट देता है एंड आई थिंक सो दिस इज बैंग फॉर अ बक। 1800 रुपये में आपको बहुत ही प्यारी चीज़ मिल रही है। सो ये रही बात प्रेजेंटेशन की, अब इसकी एक बार फुल टेस्टिंग करके देखते हैं। एक तो इसका स्प्रेयर से जो जूस निकलता है वो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है, बिकॉज इसका जो मिस्ट है काफी ही ज्यादा हैवी है। कई सी फ्रेग्रेंस 1800 की रेंज में एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, 50 ml की बॉटल की कैपेसिटी में आता है, एक ही साइज है, और मुझे लगता है कि बहुत ही डिसेंट सा फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को मुझे लगता है ओरिएंटल जॉनर में जाना चाहिए, बिकॉज इसके जो स्टार्टिंग में सिट्रस आ रहे हैं वो वुडी नोट्स के साथ ब्लेंडेड है। ये फ्रेग्रेंस मुझे स्टार्टिंग में तो वेटेवर से ज़्यादा ग्रेप फ्रूट का नोट एक स्टार्टिंग में आता है, लेमन का नोट बहुत हैवी है इसमें स्टार्टिंग में। अगर आप मेरा यकीन करें तो इस फ्रेग्रेंस में मुझे क्रीन ओरिजिनल वेटेवर की जो इनिशियल नोट है वो सेम इससे मिलता जुलता मिला, बिकॉज जब मैं 2 दिन पहले इसकी टेस्टिंग कर रहा था टेरे दे हाउस के साथ में कंपैरिजन कर रहा था, सो मुझे स्टार्टिंग में टेरे दे हाउस के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा,
ये लेटर ऑन तो हाँ टेरे देहाम्स की तरह काफ़ी चेंज हो जाता है, बट स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए ये मुझे क्रीड ओरिजिनल वेडिवा की वाइब्स भी दे रहा था। गाइस ये फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका सेंट बबल है। ये फ्रेग्रेंस की अगर हम लोग एक टॉप अकॉर्ड्स की बात करें तो दिस हैज वेटिवा, दिस हैज सिट्रस एंड दिस हैज अ लॉट ऑफ वुडी नोट्स। बहुत ही यूनिक सा फ्रेग्रेंस है और मुझे लगता है कि ऑफिस वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। जो इस तरह से लखनऊ में अभी गर्मी है या इंडिया के सारे एरियाज में गर्मी हो रही है, ये फ्रेग्रेंस आप बहुत अच्छे से रॉक एंड रोल कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक बस ये डाउन साइड ये है कि ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, 5 से 6 घंटे इसकी लास्टिंग रहती है, बट स्टिल मुझे लगता है 5 से 6 घंटे अगर आपका एक फिट का भी अगर सेंट बबल है तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है। और जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे या प्रेसिपिटेट करोगे तो ये फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा लाउड होगा और उतना ज़्यादा ग्रो करता है। हालांकि नोट्स इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बार देख लिया जाए फ्रेग्रेंटिका क्या कहते हैं इनके नोट्स के बारे में। इस फ्रेग्रेंस के टॉप में यू गेट ग्रेपफ्रूट, बेगमॉट, पिंक पेपर, मिडिल में आपको वेटिवर मिलता है, सिडारवुड मिलता है, पचोली है और लिली ऑफ द वैली, और बेस में इन्होंने ओक मॉस, बेंजोइन और एम्बर का यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो कि कितना ही ज़्यादा सिंपल इसका फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल में भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना कि नोट्स भी अगर आप देखो। स्टार्टिंग में मुझे इसमें ऑरेंज का नोट तो बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहा है, जबकि ऑरेंज इसमें मेंशन नहीं है। मुझे इसमें लग रहा है कि एक जैसे फ्रेशली कट ऑरेंज की जो स्मेल होती है वो इसमें इन्फ्यूज्ड है वुडी नोट्स के साथ में। हालांकि थोड़ा सा जो इसमें वेटेवर है वो मुझे शायद से इसमें बहुत ज़्यादा स्मोकी वाइब्स दे रहा है। ये टेरे देहाम्स की तरह उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट एक अपने में ही एक बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन है। कोई अगर मुझसे पूछता है इसकी सिमिलरिटी टेरे देहाम्स से, तो मैं कहूँगा कि दिस माइट बी ओनली 60-70% सिमिलर टू टेरे देहाम्स EDT। ये उसका क्लोन प्रिसाइसली नहीं है, बट एक आप कह सकते हो कि रसासी ने इंस्पिरेशन ली है टेरे देहाम्स की रसासी फतान को बनाने में। और मुझे लगता है जैसे कॉलेज गोअर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा बजट नहीं स्पेंड करना चाहते परफ्यूम्स में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रसासी की एंट्री लेवल के जो परफ्यूम्स होते हैं वो 900,000 से ऊपर के आते हैं, और 1800 रुपये में दिस इज़ अ वेरी फिट आइडियल फ्रेग्रेंस। इसकी MRP 1800 है, डिस्काउंट के बाद 1500-1600 के अराउंड आराम से मिल जाता है ये फ्रेग्रेंस। सो आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एक बार ट्राई करिए। इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे है, प्रोजेक्शन 1 फिट तक रहता है। बस ये है कि गर्मी में अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ओवर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसके जो स्मोकी अकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा उभर के आएंगे, बट अगर आप AC एनवायरनमेंट में ये परफ्यूम लगा रहे हो तो इसके जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड रहते हैं और बहुत ही अच्छा एक वाव फैक्टर देखते हैं। अगर इसके कलर की बात करो तो दिस हैज अ ग्रीन कलर जो इसको एक रेजोनेट करा रहा है वेटिवर से, वेटिवर का जो कलर होता है दैट इज़ ग्रीन। सो ये मुझे बहुत यूनिक लगा, बिकॉज जनरली परफ्यूम्स जो होते हैं वो या तो ट्रांसपेरेंट आते हैं या तो पेल ट्रांसपेरेंट टाइप के कलर्स में आते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन रसासी फतान पोर होम एंड टेरे देहाम्स EDT। टेरे देहाम्स की जो प्रोफाइल है दैट इज मोर ऑन अ वुडी नेचर, इसमें जो ऑरेंज है वो वुडी नोट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडेड है। वाइल अगर आप फतान की बात करो तो फतान के स्टार्ट में आपको वुडी तो मिलता नहीं है, ये एक ब्लास्ट ऑफ ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट का जैसा है। सो दिस इज लेस वुडी, दिस इज मोर वुडी। टेरे देहाम्स की जो लास्टिंग है दैट इज इजिली 8 to 9 hours, वाइल अगर हम लोग रसासी फतान की बात करें तो मेरी स्किन पे 5-6 घंटे के बाद में ये मुझे सूंघने में भी नहीं आ रहा था, इवन स्किन सेंट भी नहीं रहा। सो टेरे देहाम्स की लास्टिंग ज़्यादा है। गाइस टेरे देहाम्स का जो प्रोजेक्शन है वो भी आपका 1 फिट से ज़्यादा नहीं रहता है, और अगर हम लोग फतान की बात करें तो फतान भी 1 फिट 1.5 फिट से ज़्यादा इसका भी प्रोजेक्शन नहीं है। गाइस कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दोनों से बहुत अच्छे मिलते हैं, बट ये है कि आप जितना पैसा दोगे उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। ये आपको 1800 रुपये 50 ml आ रहा है, वेल दिस इज़ गोइंग फॉर 10,000 rupees for 100 ml, तो प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और द वर्डिक्ट इज बेसिकली इफ़ यू हैव द बजट टू गो फॉर टेरे देहाम्स आप टेरे देहाम्स लीजिए, एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट बजट, अगर आप 1800-2000 में सेटल होना चाहते हैं, सो रसासी फतान इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर समर्स। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में 2-2.5 hours की रेंज में कोई आपको वेटेबल बेस पे फ्रेग्रेंस मिलेगा। यस, हैविंग सेड दैट, दिस इज एन ऑल टुगेदर अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस टू हैव, एंड दिस इज समथिंग विच कैन एक्चुअली गैलर यू कॉम्प्लीमेंट्स और आपको थोड़ा सा वेटेबल का DNA भी देगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, अगर आपको ये वीडियो काम पर लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फ्रेग्रेंस के साथ में, और आपकी नॉलेज में कोई अगर फ्रेग्रेंसेज हो वेटेबल बेस पे
Thank you so much, guys. Take care. Bye-bye.